হ্যালো, নমস্তে সুচিয়াকাল, কেমছো, কেমন আছো, কেসে কাই, কেসে হো আপো, তুমি আ গই হো ফির সে আপকে লিয়ে অর এক এপিসোড কা রিভিউ লেকার। অর আজ কা এপিসোড বহুত হি ধামাল হো ওয়ালা হোনে ওয়ালা হ্যায়, তো আজ হম ইসকে বারে মে বাতে করেঙ্গে। অর মেরে সাথ জুড়ে রহনে কে লিয়ে মেরে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কর লেনা, বেল আইকন কো প্রেস কর দেনা, অর ভিডিও অচ্ছি লেগে তো এক লাইক জরুর করনা, অর লাইক কমেন্ট শেয়ার জরুর করনা, ওকে। हेलो, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी वीडियो में। आज क्या क्या हुआ, क्या मस्ती हुई, क्या धमाल हुआ, मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। कल कैप्टन बन चुके हैं निशांत भट्ट, तो निशांत के कैप्टेंसी में सभी लोग कैप्टेंसी में क्या कैप्टेंसी के पहले ही से सभी को ब्रेक कर रहे थे, इतने रूल तोड़ रहे थे, सारे बिग बॉस के रूल्स तोड़ रहे थे। कोई दही चुरा के ला रहा है, कोई बटर चुरा के ला रहा है मुख्य घर से, कोई मुख्य घर में जाके सो रहा है, कोई घूम रहा है फिर रहा है, जबकि मुख्य घर में उन लोगों को जाने के लिए मना किया था जंगल वासियों को, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उमर रियाज सोई जा रहा बिग बॉस कुकड़ों को इतनी बार बजा चुके पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मायशा भी सो रही थी, कुकड़ू कूद के लिए भी कल बजा है। बिग बॉस ने सोचा कि भाई इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, एकदम कड़ा। तो बिग बॉस ने एकदम कड़क कदम उठाए, कड़क सही खेल गया वैंचू। कल का एपिसोड देखा तो मुझे बहुत धमाकेदार लगा, क्या कमाल था, इंटरेस्टिंग एपिसोड था बिग बॉस का। सबसे पहले उन लोगों को तो एक सजा मिली कि सभी को मुख्य घर से, जो भी मुख्य घर में तीन लोग थे, शमिता, निशांत, प्रतीक, और उसके बाद अभी विशाल, तेजा, जय और अकाशा, ये लोग गए थे मुख्य घर में, तो इन लोगों को भी फिर से जंगल में भेज दिया, सभी को जंगल में भेज दिया, मुख्य घर को एकदम बंदी कर दिया पूरी तरह से। निशांत को बोला लॉक कर दो, उसमें अब कोई नहीं जाएगा, लाइट्स भी ऑफ हो गई। तो भाई ओपी, बिग बॉस ने क्या गेम खेला है, क्या चाल चली है, क्या पनिशमेंट दिया है, एकदम खतरनाक वाला पर, एकदम परम सुंदरी के स्टाइल में दिया है बिग बॉस ने। देखो बिग बॉस को भी परम सुंदरी अच्छी लग रही है, उसका स्टाइल भी अच्छा लग रहा है ना। और तेजू शर्मा में चली गई है कि क्या हो रहा है बिग बॉस, क्या उसमें कहीं है, लोग लोग को घर से बेघर न कर दे सबके सबको, कि तुम लोग भाई अब मुख्य घर से जंगल में आए, जंगल से फिर चले जाओ घर के बाहर सीधे, सारे के सारे कंटेस्टेंट। क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हो बिग बॉस। मैं किसी से बात नहीं करूँगी, किसी से नहीं, बेबी आपसे भी नहीं, समझ गए, मुख्य घर से यहाँ बाहर निकाल दिया, फिर से जंगल में डाल दिया बेबी। बेबी आप बहुत ही नाइंसाफी कर रहे हो बेबी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और परम सुंदरी से तो बहुत खुश है तेजस्वी, तुम्हारे साथ जो हुआ परम सुंदरी बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। आई लव यू बिग बॉस, आई लव यू। करण कुंद्रा बोलता है तुम्हारे कर्मों का फल है बेटा, कर्मों का फल है तुम्हारा। मुख्य घर से बिग बॉस ने सभी को जंगल में वापस भेज दिया, और सभी सबिता शेट्टी अलग बोल रही है कि ये लोग ये वो क्या किया इन्होंने, रूल ब्रेक कर करके हम लोगों पे ये कर दिया। निशांत भी पूरा गुस्सा है कि रूल ब्रेक किया इन्होंने इतने सारे और हम लोगों को सजा मिली। तो उस टाइम कहाँ गए थे भाई आप लोग, जब प्रतीक ने शीशा तोड़ दिया था और नॉमिनेट वो लोग सारे हो गए थे, तो उस टाइम भी आप लोगों को समझना चाहिए ना। अभी अभी जैसे खुद के टाइम पर समझ में आ रही है, तो उस टाइम भी आप लोगों को समझना चाहिए था ना। उसके बाद सेकंड वाला जो था वो तो काफ़ी खतरनाक था। बिग बॉस ने उनको कहा कि आप लोग सभी मिलके ये फैसला ले कि बिग बॉस के घर में जिसका सबसे कम योगदान है उसको घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करें। मतलब करण वहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे थे, पर उनका दिमाग का कुछ काम आया नहीं, क्योंकि बिग बॉस ने उसे टाइम रोक लगा दिया और कहा कि भाई
अरे भाई सुन लो भाई, अपना मत करो, नहीं तो वो लोग तो समिता निशान प्रतीक इन्हीं लोगों में से किसी को निकालने वाले थे। पर बिग बॉस ने कहा कि जिसका कम योगदान है उसी को निकालना है, तो फिर सबने डोनल विधि चले गए भाई। तो हो गया उनका बिग बॉस के घर से बाय बाय, टाटा बाय बाय। डोनल जो है वो काफ़ी मेहनत कर रही थी घर में रहने के लिए, वो सभी से बनाने की भी कोशिश कर रही थी, घर के कामों में भी हिस्सा ले रही थी, घर के टास्क में भी हिस्सा ले रही थी, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी। और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ब्रिंग बैक डोनल, मतलब डोनल को फिर से ला, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही थी। पर सभी ने, जो फारा खान ने सबकी नंबरिंग बढ़ाई थी उस हिसाब से सबने सोच के बता दिया कि विधि और डोनल, तो बेचारे दोनों डोनल और विधि घर से बेघर हो चुके हैं। उसके बाद भी बिग बॉस को शांति नहीं मिली। बिग बॉस को तो भाई इन लोगों की लेनी थी अच्छी तरह से। तुम लोगों ने भाई मेरा रूल क्यों नहीं माना, तुम लोगों ने मेरा रूल तोड़ा है, शीशा तोड़ा है। चिंपांजी को जब भी आता है तो बेचारे को बिग जी को तुम लोग हड़काते रहते हो, तुम लोग को तो मैं बताऊँगा। बिग बॉस ने ये सोचा गया था, सब्जी लाने में जाता हूँ जब भी, तभी तुम लोग का ड्रामा चालू हो जाता है, मारपीट हंगामा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, रोक भी नहीं पाता। मैं घर के लिए सब्जी भी नहीं लाने जाऊँ क्या? बिग बॉस बेचारे यही सोचते हो कि जब भी सब्जी लाने जाता तभी ये लोग हंगामा करते हैं घर में, कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं रहता ही नहीं, देखता ही नहीं, लोग कैसे बोलूँगा। बिग बॉस में बेचारी अलग परेशान है, शीशा तोड़ रहे हैं, मशीन को बिगाड़ दिया, ट्रेडमिल को खराब कर दिया। बिग बॉस का सारा लाया हुआ सामान बेकार हुए जा रहा है, तो गुस्सा नहीं होंगे क्या बिग बॉस? 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद, पहन चोर। फिर उसके बाद बिग बॉस को दो पनिशमेंट देने के बाद भी शांति नहीं मिली, उन्होंने फिर दिया तीसरा पनिशमेंट कि बिग बॉस तेरी ले लेंगे, तू लिख के ले ले। बिग बॉस मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा, क्या ही बोलूं, एकदम ओपी, खतरनाक गेम, एकदम ओपी भाई। निशांत को कहा कि भाई तुमको जिसको इसको असुरक्षित करना है उसको नॉमिनेट करो, तो उसने किया भाई ईशान, माइशा, उसके बाद से शमिता शेट्टी, करण, सभी को कर दिया उसने नॉमिनेट, विशाल को भी किया, और आकाशा, प्रतीक, ये लोगों को बचाया उसने, 8 लोगों को नॉमिनेट किया। और बिग बॉस ने ऐसी ली है ना, एकदम कमाल की ली है इन लोगों की, फर्स्ट सेकंड थर्ड पनिशमेंट, ओह माय गॉड, चांद पे ग्रहण लगा थे। और निशांत बेचारा परेशान, किसको नॉमिनेट करूँ किसको ना करूँ भाई, और नॉमिनेट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। चल जल्दी पहले नॉमिनेट करो, और फिर जो नॉमिनेट जिसको उसको 8 लोगों को उसने नॉमिनेट किया उन्हीं लोगों को फिर से भेज दिया किसी और को नॉमिनेट करने, तो सबकी बिग बॉस ने लगा दी है भाई बारी बारी से। और तेजस्वी जय इन लोगों को भी बचाया है। तो निशांत ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उसने ये 8 लोगों को नॉमिनेट किया है। तो निशांत को लगा होगा कि भाई अब तो मैंने कर दिया नॉमिनेट, अब तो कुछ होने वाला नहीं, यही तक रहेगा। पर बिग बॉस की देखो भाई, इसके ऊपर भी चाल चली, क्या खतरनाक चाल चली। सही खेल गया बैंच। कि निशांत ने जिसको भी नॉमिनेट किया था 8 लोगों को, अब उन 8 लोगों के हाथ में है कि वो किसी और को किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, खुद को बचाएंगे या फिर किसी और को नॉमिनेट करेंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बेचोर के काम हम पे। तो सबसे पहले शमिता शेट्टी गई हैं वहाँ पे, देखते हैं वो किसको नॉमिनेट करती है, या खुद को बचाती है, या किसी को नॉमिनेट करती है, या खुद को नॉमिनेट रहने देती है।
तो आज के एपिसोड में यही होने वाला है कि कौन किसको नॉमिनेट करेगा, तो देखेंगे हम लोग मिलके और बातें करेंगे फिर से कल अगले वीडियो में हम इसके बारे में। आज का रिव्यू यहीं तक रहने देते हैं और काफ़ी मज़ेदार रहा सो जो था बिग बॉस का कल का एपिसोड, तो उसके बारे में हम बातें करें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मेरे साथ जुड़े रहने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बिग बॉस क्या ही बोलूँ आपको, जितने किसी दो ना कमी है, क्या कमाल का गेम खेला है, क्या गेम खेला है, एकदम खतरनाक। गाइस मुझे देखने के लिए यानी परमिशन ट्री को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, समझ गए ना। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय बाय।